हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद मैंने कोई वीडियो बनाया है एंड आई वाज वेरी बिजी विथ माय प्रिपरेशन। आई एम एक्चुअली वेरी बिजी विथ माय प्रिपरेशन। आई होप आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो गाइस। एंड अगर कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि हमको हमारी पढ़ाई से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी वी हैव लाइक 1.5 मंथ्स, मोर देन 1.5 मंथ्स। हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो फोकस ऑन वन ग्रुप, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो फोकस ऑन वन ग्रुप या फिर सेकेंड ग्रुप या अदर ग्रुप के एक दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अगर आपको लगता है बोथ ग्रुप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आई वाज जस्ट वांटेड से कि अटेम्प्ट वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप बोथ ग्रुप नहीं दे सकते हो और सिर्फ एक ग्रुप दे सकते हो तो एक ग्रुप से ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तो आपके पास टाइम तब भी अगर रहेगा तो आप सेकेंड ग्रुप के या फिर फर्स्ट ग्रुप, जो भी आपका अदर ग्रुप रहेगा, उसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो जो उसमें आप एग्जेम्पशन के लिए सोच सकते हो। लाइक फॉर ग्रुप वन में वो सब्जेक्ट हो सकता है आपका आइदर FR या फिर SFM, एंड ग्रुप टू में वो आपका हो सकता है इसका हो सकता है या फिर IDT हो सकता है, कॉज भी हो सकता है। IDT इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट एग्जम्पशन, बट आपका IDT एंड इसका तो हो ही सकता है, इसका काफ़ी इजीली एग्जम्पशन आ सकते हैं। यू कैन गो फॉर IDT और AMA। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए उस हिसाब से एंड आप अपने प्रिपरेशन को देख के करिए। एंड नाउ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, Chapter 3, 1। हमारे क्या क्या चैप्टर्स बचे हैं, हमने 2 अपलोड किया है, 8 अपलोड किया है, 4 अपलोड किया है, 7 अपलोड किया है, बट हमने 7 का प्रैक्टिस मैनुअल खाली अपलोड किया, स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं किया है, ठीक है। एंड हमारा Chapter 3, Chapter 1, Chapter 6 बचा, एंड 5 का हमने 2 पार्ट्स रिलीज़ किया है। 5 इज़ एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो उसको पता नहीं कितने पार्ट्स होंगे उसके, मैंने अभी तक कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो Chapter 3 and 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले अभी हम Chapter 3 and 6 करेंगे, उसके बाद हम Chapter 1 करेंगे, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। आई डोंट नो मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी मुझे Chapter 3 का टाइम मिल रहा है तो मैं Chapter 3 करने वाली हूँ। आई होप मुझे टाइम मिलेगा अगर एज पर प्लान सब गया मेरा सब कुछ तो, ठीक है। तो लेट्स बाकी सब हम बाद में करेंगे, हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा Chapter 3, ठीक है। तो इसमें हम इसको इस चैप्टर को मैंने स्वप्निल सर के रिवीजन वीडियो देखे थे जो यूट्यूब में है, 1.5 आवर्स का आई गेस। तो उसमें सर ने एक अच्छा तरीका बताया इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो उसमें सर ने बताया कि इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, और इसके कंट्रोल्स क्या हैं, इसके पर्पज़ क्या हैं, ये सब बहुत काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके, ऑब्जेक्टिव ये सब, ठीक है। तो वो एक पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट जो हमको थोड़ा हमको हमेशा से ही थोड़ा वो लगता है डेंजरस जो लगता है कि वो ये कंट्रोल्स हैं, कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ IAS रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये पोर्शन हमको थोड़ा हार्ड लगता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ साइबर फ्रॉड। यहाँ से आ जाइए, ये देखिए साइबर फ्रॉड, ठीक है। तो सर ने एज पर वीडियो, मुझे नहीं पता, एज पर वीडियो सर ने कहा कि ये 3 पार्ट्स हैं, इस 3 पार्ट्स को फर्स्ट एंड थर्ड इज़ वेरी इजी, सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा बड़ा है। तो बोलते हैं कि एग्ज़ाम में ये तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज़ ये फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट पहले हम कर लेंगे, ठीक है, जो कि इजी है। तो हमारे लाइक अगर तीनों पार्ट से के क्वेश्चन आए तो हम Chapter 3 के लिए 2 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हैं एकदम, ठीक है। एंड देन सेकंड पार्ट में हम जो बचा हुआ हमारा पार्ट रहेगा वो कर लेंगे। तो अगर आप वैसे रिवीजन भी करेंगे तो आप फर्स्ट इजी कर लेना, जो कि जिससे आपका 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एंड देन लास्ट उसमें जाना, ठीक है। तो बिफोर मच आई डू, लेट्स स्टार्ट द तो सॉरी गाइस, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल खोल के रखा था। हम स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले हैं तो आप भी अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए, हम डायरेक्ट स्टडी मटेरियल देख लेंगे। एंड लास्ट अगर हमने को टाइम मिला तो हम प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, अगर नहीं मिला तो आप देख लीजिएगा कि प्रैक्टिस मैनुअल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले लास्ट पार्ट में जाते हैं, दैट इज साइबर फ्रॉड हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है और बहुत छोटा टॉपिक है हमारा, जल्दी से कुछ एक हो जाएगा। कहाँ है, पीछे, एकदम पीछे ना, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, लोग इसलिए से डरते हैं। खैर, ये काफ़ी मार्क्स फिचिंग भी है, बट कोई डरने की बात नहीं है इसमें, ये काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड्स में आ जाइए। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि साइबर फ्रॉड्स होते क्या हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, साइबर फ्रॉड्स होते क्या हैं एंड रीजंस क्या हैं सच फ्रॉड होने के।
तो ये बोल रहे हैं कि विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी साइबर फ्रॉड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे अक्रॉस द वर्ल्ड. वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ सच फ्रॉड. क्या क्या रीजन्स है कि ये फ्रॉड आजकल हो रहे हैं? दैट इज, सबसे पहले हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो रहे हैं. हमारे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो इतना इफेक्टिवली डिजाइन नहीं है या फिर वो इतना इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे. उसके फेलियर की वजह से काफ़ी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोबल में. ठीक है. सेकेंड है फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपडेट डेमसेल टू द न्यू सेट ऑफ रिक्स. टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, तो हमको भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, हमको भी ऐसा सिस्टम वगैरह चाहिए जिसमें वो और बहुत फ्लेक्सिबल हो, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो. और वो इतना अभी तक आया नहीं है. दैट इज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही, जो हर बिकॉज ऑफ न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी जो नए सेट ऑफ रिक्स आ रहे हैं उसको, उसके हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोप अप नहीं कर पा रही है. ठीक है. तो देयरफॉर ये साइबर फ्रॉड्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. एंड थर्ड इज स्मार्ट फ्रॉडस्टर्स. ये दीज आर द पीपल हु आर एबल टू टारगेट द वीकनेस इन द सिस्टम लैक्यूना इन इंटरनल कंट्रोल इवन बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज दैट सच गैप्स आर देयर. तो ये स्मार्ट फ्रॉडस्टर्स हैं. ये वो पर्सन होते हैं जो कि वीकनेस एक सिस्टम में वीकनेस ढूंढने की ट्राई करते हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल में लैक्यूना ढूंढने की ट्राई करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं पता रहता है. अभी बीच में हुआ था गूगल फेसबुक ये सारी कंपनियाँ ने क्या किया, ये ने इसने स्मार्ट फॉस्टर्स को थोड़ा बढ़ावा दिया. उसने बोला कि जो पर्सन हमारे हमारे जी हमारे फेसबुक में, हमारे गूगल में, हमारे जीमेल आईडीज में जो हमको वीकनेस ढूंढ के देगा, तो उसको हम इंसेंटिव्स देंगे. उससे क्या हुआ, उससे जो ये सब जो उन काफ़ी फ़ायदा हुआ कंपनियों को, क्योंकि उनको पता चल गया कि क्या वीकनेस है उनके सिस्टम में, क्या लैक्यूना है इंटरनल कंट्रोल में. एंड इसमें जो 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 ढूंढ के दे रहे थे जो फ्रॉडस्टर, उनको फ्रॉडस्टर तो नहीं बोलेंगे, वो अच्छे काम कर रहे थे, जो ढूंढ के दे रहे थे उनका भी नॉलेज बढ़ रहा था, उनको भी कुछ इंसेंटिव मिल रहा था, उन लोग भी मोटिवेट हो रहे थे. ठीक है. तो एक स्मार्ट फ्रॉडस्टर ये थोड़ा डिफरेंट है कि ये दे आर एबल टू टारगेट द वीकनेस इन द सिस्टम लैक्यूना इन इंटरनल कंट्रोल इवन बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज दैट सच गैप्स आर देयर. ठीक है. तो इसमें पहले सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कि अमेंड हुआ है. देखो, इन इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2000 एंड अमेंडेड इन 2008 हैज स्पेसिफाइड सेक्शन डीलिंग विद द साइबर फ्रॉड. तो जब से हमारे पहले साइबर फ्रॉड रिलेटेड कुछ रूल्स नहीं था, कुछ लॉ नहीं था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, जो कि अगेन 2008 में अमेंडमेंट हुआ है, वो साइबर फ्रॉड से डील करता है, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़े हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एज पर एसए 240 हमको फ्रॉड डिफाइन किया है कि फ्रॉड वो इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब बताया है. ठीक है. ये सब हम जानते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे. फ्रॉड को हम एक इंटेंशनल एरर भी बोलेंगे. उसके बाद साइबर फ्रॉड का मैंने बताया है. तो साइबर फ्रॉड शेल मीन फ्रॉड कमिटेड बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. जो भी फ्रॉड हमारा बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है उसको हम साइबर फ्रॉड बोलेंगे. इट रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ डेलिब्रेट डिसेप्शन फॉर अनफेयर या अनलॉफुल गेन दैट ऑकर्स ऑनलाइन. तो कोई भी टाइप ऑफ डेलिब्रेट, मतलब जानबूझ के डिसेप्शन हो रहा है, डिसेप्शन मतलब धोखा देना, फॉर अनफेयर या फिर अनलॉफुल गेन दैट ऑकर्स ऑनलाइन. ठीक है. ऑनलाइन अगर कुछ ऐसा जानबूझ के धोखा दे रहे हैं अनलॉफुल गेन के लिए, कुछ पैसों के लिए या किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ भी अगर हम अनलॉफुल वे में किसी को डेलिब्रेटली डिसिप कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, तो उसको हम साइबर फ्रॉड बोलेंगे. द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड थेफ्ट. अदर कॉमन ये सब है. ठीक है. अदर कॉमन क्या क्या है ये बताया है कि नॉन डिलीवरी ऑफ पेड प्रोडक्ट्स, जो ऑक्शन ऑनलाइन ऑक्शन होता है, या फिर हमने किसी का कुछ ऑर्डर किया, हमने पेमेंट कर दिया बट वो ऑर्डर हमारे पास डिलीवर नहीं हुआ, ये सब अदर ऑप्शन से कुछ नहीं है. उसके बाद आओ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड. ठीक है. दो टाइप ऑफ फ्रॉड होते हैं, एक होता है प्योर साइबर फ्रॉड और एक होता है साइबर अनेबल्ड फ्रॉड. ठीक है. तो वॉट इज प्योर साइबर फ्रॉड? प्योर साइबर फ्रॉड्स आर फ्रॉड्स विच एग्जिस्ट ऑनली इन साइबर वर्ल्ड. दे आर बॉर्न आउट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट हैकिंग. तो क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ऑफ आर टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी, इसलिए वो फ्रॉड हो रहे हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हमारे पास वो फ्रॉड ही नहीं होगा. अगर हमारे पास वेबसाइट ही नहीं रहेगा तो वेबसाइट हैक कैसे होगा? तो ये वो फ्रॉड है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द साइबर वर्ल्ड. ये खाली साइबर वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे रियल वर्ल्ड में जो फिजिकल वर्ल्ड होता है उसमें कोई ऐसा फ्रॉड नहीं रहता है. ठीक है. फिजिकल वर्ल्ड में कोई वेबसाइट फिजिकली नहीं रहती है, तो उसमें हैकिंग कैसी होगी? तो ये वो है जो कि खाली एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द साइबर वर्ल्ड. दिस आर बॉर्न आउट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड वॉट इज साइबर एनेबल फ्रॉड? ये फ्रॉड है विच कैन बी कमिटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड ऑल्सो, बट विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी द साइज स्केल एंड लोकेशन ऑफ फ्रॉड चेंजेस. ठीक है. तो हम सपोज हमको बैंक में पैसे चोरी करना है, तो हम जाके चोरी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये फ्रॉड आ गया तो थोड़ा ईजी हो गया, हमको जाना नहीं पड़ेगा, हम एक फेक अकाउंट बनाएंगे, हम फिशिंग करेंगे,
एक फेक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें ऐसा लगेगा कि वो एक्सिस बैंक का वेबसाइट है बट लोग अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे है ना, हम उसका पिन को लेके पैसे निकालेंगे। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी द साइज स्केल एंड लोकेशन ऑफ फ्रॉड चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि ये दो टाइप ऑफ फ्रॉड है, एक जो बिकॉज ऑफ साइबर वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता है और बॉर्न आउट ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एक साइबर एनेबल फ्रॉड है कि ऐसे तो वो फ्रॉड फिजिकल वर्ल्ड में हो सकता बट क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी आ गया है तो उसके साइज, उसके स्केल और उसके लोकेशन में काफ़ी चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट बाय स्टीलिंग पिन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है, दिस फ्रॉडस्टर मे बी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के ही रहते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रह सकता है। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड इंक्लूड मोर देन वन इंडिविजुअल एंड वन ऑफ द टीम मेंबर इन मेनी केसेस इज इन पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कुछ नहीं है। इसके बाद है साइबर अटैक्स, तो वी हैव अ नंबर ऑफ साइबर अटैक्स। सबसे पहले है फिशिंग, फिर है नेटवर्क स्कैनिंग, फिर है वायरस या मेलिशियस कोड, फिर है स्पैम, एंड देन वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज या मॉलवेयर प्रोपोगेशन, एंड देन अदर्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले साइबर अटैक्स, तो सम ऑफ द मेजर साइबर अटैक्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी बाय मास्केडिंग एज अ ट्रस्ट फॉर द एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया ना कि एक करना होता है, आप एक्सिस बैंक सपोज टाइप कर रहे हो, तो अगर एक्सिस बैंक का वेबसाइट, आई डोंट नो मेरे को याद नहीं है, एक्सिस बैंक का वेबसाइट अगर www.axisbank.com है तो उसी से मिलता जुलता एक वेबसाइट इन लोग करेंगे कि axis.bank.com ऐसा कुछ इन लोग वेबसाइट बना लेंगे, तो जो इनोसेंट यूजर्स हैं, जो अनअवेयर यूजर्स हैं, वो उसमें वही सेम जैसे एक्सिस बैंक का इंटरफेस रहता है वैसे ही इनका इंटरफेस रहेगा। उसमें आपको यूज़र आई डी, आपका पासवर्ड, कस्टमर आई डी पासवर्ड ये सब मांगेगा, आप दे देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो वाले कस्टमर आई डी पासवर्ड, वो सारी आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उस ओनर के पास चले जाएगा, एंड देन ही कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन फॉर विड्रॉइंग योर ऑल मनी। ठीक है, तो यही है कि इसको फिशिंग बोलते हैं। तो इसमें हम जो फेक वेबसाइट और बैंक बनाते हैं ताकि हम उनके आई डी पासवर्ड को या उनके पिन को या फिर उनके ओ टी पी को एक्वायर कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम अभी हमको उसको वर्ड्स देखना है। देखो, इसका इज ईजी, काफ़ी ईजी है समझने में, बस वर्डिंग का रिटेंशन, एंड रिटेंशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट, और उसका लिखना भी अलग बात होता है, तो हमको दोनों करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिटेंशन में फोकस करेंगे क्योंकि लिखने के लिए तो वी हैव मॉक टेस्ट वगैरह। तो फिशिंग है, इट इज़ द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो ये एक अटेम्प्ट है ताकि हम एक्वायर कर सकें क्या, यूज़र नेम को, पासवर्ड को या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बाय मास्केडिंग एज अ ट्रस्ट वर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो हम मास्केडिंग कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को एज अ ट्रस्ट वर्दी एंटिटी दिखा रहे हैं, और उस हम जो दिखा रहे हैं उसके वजह से हमको कुछ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिल रहा है, उसको फिशिंग बोलेंगे। कम्युनिकेशन पर्पोर्टिंग टू बी फ्रॉम पॉपुलर सोशल वेबसाइट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर या फिर आई टी एडमिनिस्ट्रेटर आर कॉमनली यूज टू ल्योर द अनसस्पेक्टिंग पब्लिक। ठीक है, तो ये सब ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब जो पॉपुलर सोशल वेबसाइट्स हैं, जो ऑक्शन साइट्स हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर्स हैं या जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो यूज़ होते हैं ताकि जो अनसस्पेक्टिंग पब्लिक है, जो इतने सॉरी इनोसेंट है, जो क्वेश्चन माइंड के नहीं, जिनके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं है, वो यूज़ उन लोग को लियोर करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको हम फिशिंग बोलेंगे। हमने व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस भी देखे ना, पेटीएम की तरफ से इतना गिफ्ट मिल रहा है, ये करो, एंड बट अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो वो देखना पेटीएम का साइट नहीं होता है, वो किसी और का साइट होता है, तो दैट इज़ ऑल फिशिंग। ओके, उसके बाद है नेटवर्क स्कैनिंग। तो नेटवर्क स्कैनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट ऑफ अ सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ना वो दे ट्राई टू गेट डिटेल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर ये सब। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट ऑफ ए सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेसेस। ये आप कौन सा, आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेसेस क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या सॉफ्टवेयर है, तो नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू लोग ये पता करने की सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद है वायरस एंड मेलिशियस कोड। तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंप्यूटर वायरस मीन्स एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, डेटा या प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय, डैमेज या डिग्रेड और एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्स और अटैच इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर रिसोर्स एंड ऑपरेट्स व्हेन अ प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और सम अदर इवेंट टेक प्लेस इन दैट कंप्यूटर। तो
वायरसेस मेलिशियस कोड में क्या हो रहा है कि वो हमको एज पर सेक्शन 43 ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन किया है कि ये एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है या फिर एक इन्फॉर्मेशन है या फिर एक डेटा या प्रोग्राम है जो कि क्या क्या है, तीन चीज़ें, या एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन या डेटा या प्रोग्राम है जो कि डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है क्या परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर को, रिसोर्सेज को, या फिर अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑपरेट व्हेन अ प्रोग्राम वैन अ प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और सम अदर इवेंट टेक्स प्लेस इन दैट कंप्यूटर रिसोर्सेज. तो इसमें मैं समझाऊँ क्या वायरस, हम सब जानते हैं क्या होता है. तो मतलब हमारी हमारी सिस्टम को ऐसे इफेक्ट कर लेते, ऐसे एडवर्सली इफेक्ट करता है कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है. एंड देन अगेन वायरस फिर ये हमारे कंप्यूटर से जाके जो हमारे कंप्यूटर से अटैच अदर रिसोर्सेज हैं उसमें भी चले जाता है और ये उधर का भी काम खराब कर देता है. तो वही ये हमको डिफाइन है एज पर सेक्शन 43 ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. थोड़ा वर्डिंग से याद करना है कि ये कंप्यूटर वाइज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा है जो कि डिस्ट्रॉय कर लेता है, डैमेज कर लेता है, डिग्रेड कर लेता है या एडवर्सली इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर को या उसके रिसोर्सेज को या फिर अपने आप को अटैच कर लेता है किससे, अनदर कंप्यूटर रिसोर्सेज को और ऑपरेटर्स को व्हेन अ प्रोग्राम डेटा या इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और सम अदर इवेंट टेक प्लेस इन दैट कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है. उसके बाद है स्पैम. स्पैम से अगेन वी आर ऑल अवेयर ऑफ द स्पैम जो हमारे ईमेल्स वगैरह में रहते हैं, वो जाते हैं, हमको मैसेजेस भी आते हैं कि आपने 10 करोड़ जीत लिया, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो हमको ये हमको ये डिटेल्स दो, ये करो वो करो. तो वो होता है स्पैम. तो ईमेलिंग द सेम मैसेज टू एवरी वन ऑन वन और मोर अनसेंट न्यू ग्रुप और लिस्ट इन स्टम स्पैम. क्या ही लिस्ट SERV लिस्ट सर्व, ओके आई डोंट नो क्या है ये. तो स्पैम, स्पैम में क्या होता है, वही ईमेल इन द सेम मैसेज हम ईमेल करते हैं टू एवरीवन, ठीक है, टू एवरीवन और मोर अनसेंट न्यू ग्रुप्स, या फिर अगर कुछ हमको नए नए ग्रुप्स मिले जिनको हम नहीं भेज रहे तो उनको न्यू अनसेंट ग्रुप को या फिर लिस्ट सर्व लिस्ट इन इस टर्म में सर्व, या फिर अनसेंट ग्रुप्स को या लिस्ट सर्व लिस्ट को, ठीक है. ये मुझे गूगल करना पड़ेगा क्या है, करेंगे, ठीक है. फिर है ईमेलिंग द सेम मैसेज टू एवरीवन ऑन वन और मोर अनसेंट न्यू ग्रुप्स या लिस्ट सर्व लिस्ट इज टर्म स्पैम. उसके बाद है वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज, ये मैं गूगल कर लेती हूँ. तो लिस्ट सर्व एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे लिस्ट ऑफ ईमेल्स रहते हैं एंड देन यू कैन सेंड योर ईमेल टू दैट लिस्ट सर्व एंड उसमें जो जो लिस्ट में जिसका जिसका नाम है उनके पास वो ईमेल चला जाएगा, ठीक है. तो स्पैम में हमने पढ़ा कि सेम मैसेज हम सबको भेज रहे हैं या फिर वन और मोर अनसेंट ग्रुप को भेज रहे हैं या फिर लिस्ट सर्व में भेज रहे हैं, उसको हम स्पैम बोलते हैं. उसके साथ उसके बाद है वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज एंड मालवेयर प्रोपोगेशंस. तो इट इंक्लूड्स वेबसाइट डिफेसमेंट, दैट इज होस्टिंग मालवेयर ऑन वेबसाइट इन एन अनऑथराइज्ड मैनर. तो आजकल चल रहा है ये वाला कि कोई भी कोई भी हैकर का ग्रुप अगर कोई प्रेस्टिजियस या कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर देता है तो वो अपने नाम उसमें लिख देते हैं कि फलाना दिखाना रॉक्स एंड वगैरह. तो वैसा ही है, मतलब अनऑथराइज मैनर में वेबसाइट को हैक करना, अपने कुछ अपना मालवेयर या कुछ भी होस्ट करना अनऑथराइज मैनर में, इट इंक्लूड्स वेबसाइट डिफेसमेंट, ठीक है. अदर्स में है जैसा गिवन एज फॉलोज. तो क्रैकिन है, तो क्रैकर्स आर द हैकर्स विथ मैलिशियस इंटेंशन. तो हैकर्स होते हैं वो जिनका मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता है, उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि कोई डैमेज करे, ठीक है. जैसे कि अंकित फारदिया बोल के एक हैं जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ये सब हैकिंग वगैरह करके, ठीक है. तो बट क्रैकर्स उसके अपोजिट है, उनका मैलिशियस इंटेंशन होता है. फिर है ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी का प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनना. तो रिफर्स टू द लिसनिंग ऑफ द प्राइवेट वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन ऑफन यूज इन अ वायर ट्रैप. उसके बाद है ईमेल फॉर्जरी, ईमेल मतलब फॉल्स ईमेल भेजना. जैसे सेंडिंग ईमेल मैसेज दैट लुक एज इफ समवन एल्स इज सेंडिंग सेंड इट इट स्टम एज ईमेल फॉर्जरी, मतलब ऐसे लगेगा कि कोई और भेजा है बट कोई और भेज रहा है, ठीक है. जैसे IT डिपार्टमेंट से काफ़ी ईमेल फॉर्जरीज आते हैं, मतलब वो IT डिपार्टमेंट्स नहीं भेजते हैं बट कोई अदर्स भेजते हैं, देन वो ऐसा दिखाता है कि IT डिपार्टमेंट्स हमको भेज रहे हैं, IT मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके. फिर है ईमेल थ्रेड्स. ईमेल थ्रेड्स मतलब ब्लैकमेलिंग करना ईमेल में कि मुझे पैसे दे नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा. सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज टू ट्राई एंड गेट रिसिपिएंट टू डू समथिंग दैट वुड मेक इट पॉसिबल टू डिफ्रॉड हिम इज टर्म्ड ईमेल थ्रेड्स. तो ऐसा कुछ मैसेज भेजना टू रिसिपिएंट टू समथिंग दैट वुड मेक इट पॉसिबल टू डिफ्रॉड हिम, ठीक है. एंड देन इज स्कैवेंजिंग. तो दिस इज गेनिंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय सर्च इन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स. तो होता है ना वो कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, वो जो सूट्स आपने सीरीज देखी होगी तो उसमें एक काफ़ी एक रूम रहता है उसमें सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं. तो अगर आप उस रूम में जाके रिकॉर्ड्स को देखो, उसको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करो, तो उसको हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं, ठीक है. तो हमने क्या क्या
पढ़ा हमने साइबर फ्रेड्स अटैक्स में, हमने क्या क्या पढ़ा, फिशिंग होता है, नेटवर्क स्कैनिंग होता है, वायरसेस होते हैं, स्पैम होते हैं, वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज होते हैं, अदर्स में क्रैकिंग, ईवस्ड्रॉपिंग, ईमेल फॉर्जरी, ईमेल थ्रेड्स एंड स्कैवेंजिंग। ठीक है, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड या एंटरप्राइज की, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं साइबर फ्रॉड के हमारे एंटरप्राइज में। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस होता है एंटरप्राइज को, तो इट लीड टू एक्चुअल कैश लॉस टू टारगेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल रॉन्गफुली विड्रॉन ऑफ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट, अगर रॉन्गफुली मनी विड्रॉ हो जा रहा है बैंक अकाउंट से, कैश लॉस हो जाता है, तो फाइनेंशियल लॉस होता है उस, मतलब जैसे एंड अगेन फाइनेंशियल लॉस जो होता है ना डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। डायरेक्टली उससे होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स चले जाते हैं, इनडायरेक्टली होता है कि एक्सपेंडिचर टू आवर रिपेयर ऑफ डैमेजेस, जो हमारे डैमेजेस हुए, सपोज किसी ने हमारी वेबसाइट हैक की और उससे उसने हमारे जो फंड्स थे उसको उसने ऑब्टेन कर लिया, तो उसको रिपेयर करने के लिए अब जो हमारे खर्चे लगेंगे उसको हम इनडायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस बोलेंगे। इसमें नहीं है, ये प्रैक्टिस मैनुअल में समझाया हुआ है। उसके बाद है लीगल रिप्रिकेशंस, तो इसमें बोल रहे हैं कि एंटिटी हिट बाय साइबर फ्रॉड और कॉट इन लीगल लाइबिलिटीज टू द कस्टमर। तो अब देखो, एक कस्टमर ने एक एंटिटी पर भरोसा जताया है, उसने अपने सेंसिबल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको दी है, एंड अगर वो एंटिटी को साइबर फ्रॉड हो गया और वो कस्टमर के इंफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो एक कस्टमर लीगल लाइबिलिटी मतलब एक केस सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द एंटिटी। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना ये सबको प्रोटेक्ट रखना, तो वो हिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लीगल लाइबिलिटीज ऑफ द कस्टमर। सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 फिक्सेस लाइबिलिटी फॉर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सिक्योर डेटा ऑफ कस्टमर। दिस एंटिटी नीड टू एंश्योर दैट सच डेटा इज वेल प्रोटेक्टेड। इन केस ऑफ फ्रॉडस्टर ब्रेक इन टू सच डेटाबेस इट इज एड टू द लाइबिलिटी ऑफ एंटिटी। इसलिए लीगल रिप्रिकॉशन हो सकता है कोई साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, एंड एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये एक लाइबिलिटी हो जाएगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के जिसके पास वो डेटा है कस्टमर का। ठीक है, तो इससे का हमारा लाइबिलिटी का बर्डन आ जाएगा, लीगल लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कंपिटेटिव एज। न्यूज़ दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस हैज बीन हिट बाय फ्रॉडस्टर लीड टू लॉस ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज। दिस आल्सो लीड टू लॉस क्रेडिबिलिटी। दे हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर शेयर प्राइस ऑफ सच कंपनी वेंट डाउन एज द न्यूज ऑफ सच अटैच प्रीकोलेटेड टू द मार्केट। तो अगर सपोज कोई बैंक का अगर हमको न्यूज़ सुनने में आया कि उस बैंक के में जो अकाउंट्स है जिनसे कस्टमर का अकाउंट्स था, तो उस कस्टमर्स के पैसे विड्रॉ कर गए हैं, तो नेक्स्ट अगर कोई बंदा उस बैंक में नया अकाउंट खोलने जा रहा था, तो वो अपना थोड़ा उसको डबल थॉट्स आएंगे, सेकंड थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ आ रहा है कि उनका जो डेटाबेस है उसमें फ्रॉड आ गया, उसको हैक हो गया, तो काफ़ी कंपिटेटिव एडवांटेजेस लूज हो जाता है उनका, लोगों का उनके पर थोड़ा भरोसा उठ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जस्ट बिकॉज ऑफ ये सब काम की वजह से उनका शेयर प्राइजेस अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव या एम्बेरेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो साइबर अटैक्स में एक्सपोज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोग्राम्स। तो अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव या एम्बेरेसिंग इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। सर ने शायद वो सोनी का एग्जांपल दिया था जब पढ़ाया था, मैंने इसका एक वीडियो देखा है। ठीक है, फिर है सैबोटेज में द अबव सिचुएशन में लीड टू मिसयूज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन बाय एनिमी कंट्री। तो ये सिचुएशन है, ये लीड कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन मिसयूज हुआ है, तो एनिमी कंट्री है उस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा के हमको सैबोटेज कर सकती है, हमको एक पोजीशन में ला सकती है। ठीक है, तो क्या क्या इंपैक्ट है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, एक्चुअल कैश लॉस हो रहा है, अगेन वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली वाला लिख सकते हो। फिर है लीगल रिप्रिकेशन, तो इस पर 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक लाइबिलिटी हो जाती है अगर एंटिटी हिट बाय साइबर फ्रॉड और उनके जो सिक्योर डेटा ऑफ कस्टमर है वो इंपैक्ट होता है। फिर है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कंपिटेटिव एज। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव या एम्बेरेसिंग इन्फॉर्मेशन, यह है सैबोटेज। ठीक है, उसके बाद है टेक्निक्स टू कमिट साइबर फ्रॉड की क्या क्या टेक्निक्स है। इसमें काफ़ी टेक्निक्स है इसके, तो सब एक एक दो दो लाइन के, ये शॉप के राइट शॉर्ट नोट्स दो दो मार्क्स के आ सकते हैं या फिर आपका MCQs इसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हैकिंग, तो इट रिफर्स टू अनऑथोराइज एक्सेस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजली बाय मीन्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। नॉर्मली हैकर्स डू नॉट इंटेंड टू कॉज एनी डैमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो हैकर्स एंड क्रैकर्स ने बताया, तो ये हैकिंग इसमें कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता, इनका इंटेंशन टू कॉज एनी डैमेज नहीं होता है। जैसे अंकित फादिया ही हेल्प्स गवर्नमेंट, और ये इट रिफर्स टू अनऑथोराइज एक्सेस, मतलब अनऑथोराइज एक्सेस करना कंप्यूटर सिस्टम को बाय मीन्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को अनऑथोराइजली यूज करके इन्फॉर्मेशन लेना। उसके बाद है क्रैकिंग, क्रैकर्स तो हमने पढ़ा कि ये हैकर्स हैं जिनका मैलिशियस इंटेंशन है, इट विच मीन्स अनऑथोराइज एंट्री, मतलब अनऑथोराइज जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री करना, अनऑथोराइज एरिया में एंट्री करना। नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड हैकिंग इज अ जनरल टर्म विद टू नोमेनक्लेचर नेमली एथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग इज क्लासिफाइड एज क्रैकिंग। तो जनरली जनरल टर्म में आप बोलें तो
दो टर्म हो गया है, एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग वही है जो हैकिंग है, हमने पहले ऊपर पढ़ा, मतलब जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है या जो कुछ, मतलब जिसका मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता, कोई डैमेज इंटेंट करने का नहीं होता है। एंड अनएथिकल हैकिंग अगेन इज क्लासिफाइड एज क्रैकिंग, जिसका इंटेंशन गंदा रहता है, अनलॉफुल गेन एडवांटेज लेने का रहता है। फिर है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग मतलब चेंजिंग बिफोर डेटा बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर इट इज एंटर इन टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू डिलीट या ऑल्टर या एड के सिस्टम डिटेल रेफर्स डेटा डिडलिंग। सपोज आपको कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कुछ इनपुट दिया, आपको उसने कहा कि वो करो, क्या बोलो, टाइप करो, तो आप जानबूझ के अगर कुछ नंबर है आप जानबूझ के उसको चेंज कर दे रहे हो बिफोर एंट्रिंग डेट या ड्यूरिंग एंट्रिंग डेट या फिर आफ्टर, मतलब आपने एक बार सेव करके चला गया, फिर जब आपका जब हेड है वो चले गए तो आप वापस आके उसको चेंज कर दे रहे हो, ऑल्टर कर दे रहे हो या कुछ डिलीट कर दे रहे हो या कुछ और ऐड कर दे रहे हो, तो उसको हम डेटा डिडलिंग बोल रहे हैं। तो आप चेंज करें डेटा को बिफोर ड्यूरिंग या आफ्टर इट इज़ एंटर इन टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू डिलीट या ऑल्टर या एड की सिस्टम डिटेल इज रेफर्स डेटा डिडलिंग। उसके बाद है डेटा लीकेज। इट रिफर्स टू अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ कंपनी डेटा सच एज कंप्यूटर फाइल्स। तो अनऑथराइज कॉपी, मतलब आप कहीं भी घूमने गए हो, कोई भी सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए, कोई सिस्टम में अपना पेन ड्राइव लगा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में डाल के पेन ड्राइव चलते हुए बने, तो उसको डेटा लीकेज बोल रहे हैं। मतलब आप अनऑथराइज कॉपी कर ले रहे हो कोई भी कंपनी के डेटाज को, ठीक है। फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, दैट इज DOS अटैक। तो इट रिफर्स टू एन एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन दैट प्रिवेंट्स एक्सेस टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय इट्स इंटेंटेड या ऑथोराइज यूजर, कॉज द डिले ऑफ इट्स टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन या प्रिवेंट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम फंक्शनिंग। तो इसका मतलब है कि ये एक सीरीज ऑफ एक्शन है जो कि प्रिवेंट करते हैं, मतलब कोई पर्सन, सपोज तुमको कोई पर्सन को रोकना है कि वो उस पर्सन को तुमको एक सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए रोकना है, तो आप ये कर सकते हो कि वो सॉफ्टवेयर का ट्रैफिक कितना बढ़ा दो कि वो उसका सर्वर जब वो खोले वो सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की कोशिश करे तो खुले नहीं, सर्वर डाउन बताए, तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब किसी को सर्विस मतलब एक्सेस करने के लिए रोकना। तो इट रिफर्स टू एन एक्शन या फिर सीरीज ऑफ एक्शन जो कि प्रिवेंट करते हैं एक्सेस टू सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक्सेस प्रिवेंट करते हैं बाय इट्स इंटेंडेड ऑथोराइज यूजर, ठीक है, कॉजेज, मतलब जो ऑथराइज यूज़र है उसका एक्सेस को रोकता है, कॉजेज अ डिले ऑफ इट्स टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस, ताकि कुछ डिले हो कुछ काम में या कुछ काम प्रिवेंट हो एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम फंक्शनिंग, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट टेररिज्म। इट रिफर्स टू द यूजिंग इंटरनेट टू डिसरप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टू डिस्ट्रॉय कंपनी एंड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो मतलब इंटरनेट के थ्रू से कुछ इलेक्ट्रिक कॉमर्स या टू कोई कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का, कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कुछ भी, सपोज कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हुआ तुम्हारा, तो उसको तुम इंटरनेट में वायरल कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे उस कंपनी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट टेररिज्म, ठीक है। फिर है लॉजिक टाइम बॉम्ब। लॉजिक टाइम बॉम्ब मतलब दीज आर द प्रोग्राम दैट लाइज आइडल अंटिल सम स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस और ए पर्टिकुलर टाइम ट्रिगर्स इट एंड वंस ट्रिगर द बॉम्ब सेबोटेज द सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग प्रोग्राम डेटा बोथ। तो लॉजिक टाइम बॉम्ब्स में ऐसा होता है कि कुछ सर्टेन टाइम रहता है या कुछ ट्रिगर पॉइंट रहता है कि सपोज ऐसा एक मतलब एक ही बॉम्ब टाइप का ही होता है, बॉम्ब टाइप का ही होता है, आप कंप्यूटर में लगा दो, लाइक नॉट फिजिकली बॉम्ब रहते हैं, तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम का रहता है, तो जब वो पॉइंट ट्रिगर होता है तो अपने आप वो जो बॉम्ब होता है ना वो सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर लेता है, सारे डेटास को डिस्ट्रॉय कर लेता है, सब हो जाता है, ठीक है, सब डेड कर देता है, फोन सर्वर वगैरह सब। उसके बाद है मास्केरेडिंग या इंपर्सनेशन। इन दिस केस प्रिपरेटर गेन एक्सेस टू द सिस्टम बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑथराइज्ड यूजर। तो मतलब वही मास्केरेडिंग, मतलब मास्क पहन के आओ ऐसा है, तो इसमें जो प्रिपरेटर है वो एक्सेस, वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि मैं एक ऑथराइज्ड यूजर हूँ एंड ही गेन द एक्सेस टू द सिस्टम। उसके बाद है पासवर्ड क्रैकिंग। इंट्रूडर पेनिट्रेट्स अ सिस्टम डिफेंस टिल द फाइल कंटेनिंग वैलिड पासवर्ड, डिक्रिप्ट देम एंड यूज देम टू गेन एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज सच एज प्रोग्राम्स फाइल्स एंड डेटास। तो पासवर्ड क्रैकिंग में क्या होता है, जो इंट्रूडर है ना वो हमारे सिस्टम में आता है या फिर हमारे ऑफिस में आता है, सपोज एक हमारा ऑफिस है उसमें हमने एक फाइल रखा है कि उसमें सारे हमारे जो जो पासवर्ड्स हैं उसको हमने रखा है, एंड अगेन पासवर्ड को हमने कुछ इंक्रिप्ट करके रखा है, कुछ ऐसे कोड वर्ड्स में रखा है, तो वो पर्सन, वो इंट्रूडर हमारे आया, उसने फाइल जो फाइल जिसमें पासवर्ड थे उसको स्टील किया एंड देन जो इंक्रिप्टेड मैसेज थे उसको डिक्रिप्ट किया एंड देन इसको यूज़ कर रहा है ताकि वो एक्सेस को गेन कर सके, तो उसको हम बोलेंगे पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है। फिर है पिगी बैकिंग मतलब रिफर्स टू टैपिंग इन टू टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड लैचिंग ऑन टू अ लेजिटिमेट यूजर बिफोर सी और ही लॉग्स इन टू द सिस्टम। तो इसका मतलब है कि सपोज वो जो क्या बोलते हैं इसका जो एक्सेस कार्ड होता है, सपोज तुमने तुमको एक तुम्हारे ऑफिस में जाना है तो तुम्हारे ऑफिस को का डोर ऐसे खुलता है, जब अगर तुम अपना आईडी पासवर्ड दिखाओ तो तुम अपने आईडी दिखा रहे हो, तो तुम जब जैसे डोर खुला तो तुम गए, उसके साथ साथ कोई एक दूसरा बंदा जो कि अनऑथराइज बनता है तुम्हारे साथ साथ चला गया और तुमको पता ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ साथ गया, उसको हम पिगी बैकिंग बोलेंगे। तो
इसमें देखो समझना इजी अगेन इसका वर्ड है, इसका वर्ड इन सी है कि इट रिफर्स टू टैपिंग इनटू टेलीकम्युनिकेशन लाइन, टैपिंग इनटू टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड लैचिंग ऑन टू अ लेजिटिमेट यूजर बिफोर ही और सी लॉग इन टू द सिस्टम, ठीक है। फिर है राउंड डाउन, राउंड डाउन मतलब कंप्यूटर राउंड डाउन ऑल इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू टू डेसिमल प्लेसेस, रिमेनिंग फ्रैक्शन इज प्लेस्ड इन अकाउंट कंट्रोलर बाय प्रिपेटर। तो क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या होता है ज़्यादातर ना जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम डेसिमल्स को इग्नोर करते हैं, बट वो डेसिमल भले ही उस टाइम काफ़ी शॉर्ट अमाउंट का हो बट अगर उसको हम एग्रीगेट करेंगे तो वो एक अगेन लार्जर अमाउंट दिखा सकता है। तो जो रिमेन फ्रैक्शन है वो अगर वो जो प्रिपेटर है मतलब जो जिसका ये इंटेंशन है तो उसको वो मिसयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्कैवेंजिंग या डम्पस्टर ड्राइविंग, तो ये देखो इसमें और है तो यू नो यू हैव टू लर्न बोथ क्योंकि अभी MCQs आ गए हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्कैवेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो स्कैवेंजिंग या डम्पस्टर ड्राइविंग में इट रिफर्स टू द गेन इन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय सर्चिंग कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, मैंने बताया ऑलरेडी। फिर है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक में इन दिस केस प्रिपेटेड ट्रिक्स एंड एम्प्लॉइंग टू गिविंग आउट द इन्फॉर्मेशन एडिट टू गेट इन द सिस्टम, जैसे अपने को फेक कॉल्स आते हैं बैंक बोलते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया तो अभी OTP आया होगा तो आप बताइए तो हमारा ATM कार्ड खुल जाएगा, ऐसा कुछ कॉल्स आते हैं। इसमें क्या होते हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड साउंड करते हैं बट दे aren't, ठीक है। तो इन दिस केस प्रिपेटेड ट्रिक एंड एम्प्लॉय, वो ट्रिक करते हैं एम्प्लॉय को इनटू गिविंग आउट द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू गेट इनटू सिस्टम। उसके बाद है सुपर जैपिन, इट रिफर्स टू अनऑथराइज यूज ऑफ स्पेशल सिस्टम प्रोग्राम टू बाईपास रेगुलर सिस्टम कंट्रोल एंड परफॉर्म इलीगल एक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इससे ये एक अनऑथराइज यूज ऑफ स्पेशल सिस्टम है, उन लोग बाईपास करते हैं रेगुलर सिस्टम को। सपोज हमने कुछ सिस्टम के कंट्रोल हटाए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको उसको मेंटेनेंस करना है, तो वो उस बात का फ़ायदा उठा के क्योंकि उसमें फ़िलहाल कोई कंट्रोल नहीं था, उस बात का फ़ायदा उठा के उन्होंने एक सीक्रेट पैसेज वे बना लिया एंड उसके थ्रू वो हर दिन फिर अब आने जाने करते हैं एंड परफॉर्म इलीगल एक्ट्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर जैपिन। एंड ट्रैप डोर में है कि इन दिस टेक्निक प्रिपेटर एंटर द सिस्टम यूजिंग अ बैक डोर दैट बाईपासेस नॉर्मल सिस्टम कंट्रोल एंड प्रिपेट फ्रॉड, तो एक बैक डोर हो जाता है प्रिपेटर एंटर द सिस्टम यूजिंग अ बैक डोर दैट बाईपासेस नॉर्मल सिस्टम कंट्रोल एंड प्रिपरेशन प्रिपेट फ्रॉड, तो एक वो यूज़ करते हैं बैक डोर का जो कि देन उस बैक डोर से वो फिर बार बार आना जाना करते हैं एंड इलीगल एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, हैकिंग में मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता है एंड दे अनऑथराइज एक्सेस ऑफ कंप्यूटर होता है ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का। क्रैकिंग में अगेन मैलिशियस इंटेंशन होता है, ठीक है। डेटा डिलीन में ड्यूरिंग बिफोर या आफ्टर अगर हम डेटा चेंज कर रहे हैं, डेटा लीकेज में हम अनऑथराइज कॉपी कर रहे हैं, डिनायल ऑफ एक्सेस में हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऑथोराइज यूजर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने ताकि हमको कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस को डिले करना है या फिर कोई पार्ट ऑफ सिस्टम को प्रिवेंट करना है। इंटरनेट टेररिज्म मतलब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या कुछ किसी कंपनी का या कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन को वायरल कर दे रहे हैं फॉर द रीज़न ऑफ फॉर विद द इंटेंशन टू डिस्टर्ब देम टू डिस्ट्रॉय देम। फिर लॉजिकल टाइम बॉम्ब में है कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस या ऐसा टाइम ट्रिगर होने के बाद वो सारे सपोर्टेज कर देगा और सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। मास्क्रेडिंग मतलब हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ऑथोराइज यूज़र हैं बट हम है नहीं। पासवर्ड क्रैकिंग में है कि हम ऐसा फाइल को स्टिल कर दे रहे हैं जिसमें सारे वैलिड पासवर्ड हैं उसको डिक्रिप्ट कर दे रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। पिगी बैगिंग में हम टैपिंग इनटू टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड लैचिंग ऑन टू योर लेजिटिमेट यूजर्स। फिर है राउंड डाउन, लैचिंग मतलब ऊपर आ जाना उसको चढ़ के पिगी राइट देना, ठीक है। राउंड डाउन में है कि कंप्यूटर राउंड डाउन ऑल इंटरनेट कैलकुलेशन टू टू डेसिमल प्लेसेस, उसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं। स्कैवेंजिंग या डम्पस्टर ड्राइविंग में है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बाय सर्चिंग कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। सोशल इंजीनियरिंग में है कि हम ट्रिक करते हैं एम्प्लॉय को इनटू गिविंग आउट द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू गेट इन द सिस्टम। सुपर जैपिंग में है कि हम बाईपास करते हैं रेगुलर सिस्टम कंट्रोल को एंड परफॉर्म करते हैं इलीगल एक्ट्स। और ट्रैप डोर में है कि हम यूज़ करते हैं बैक डोर का जिसके थ्रू हम बाईपास कर सकते हैं नॉर्मल सिस्टम को और फ्रॉड कंडक्ट कर सकते हैं। In spite of having various control as well as countermeasures in place, cyber frauds are happening and increasing on a continuous basis. To overcome this fraud, there is an urgent need to conduct research in related areas and to come up with a more appropriate security mechanism which can make the information system more secure. तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट साइबर फ्रॉड का। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि साइबर फ्रॉड क्या होता है सबसे पहले कि उसके रीजंस क्या है होने के। उसके बाद हमने फ्रॉड पढ़ा एस पर एस 240। देन हमने पढ़ा कि साइबर फ्रॉड क्या होता है। उसके बाद कि क्या टाइप्स ऑफ होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। उसके बाद साइबर अटैक्स क्या होते हैं एंड देन क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एंटरप्राइज में। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि टेक्निक्स क्या कि हम कैसे साइबर फ्रॉड को कमिट कर सकें, ठीक है। तो हमने एक पार्ट हो गया हमारा चैप्टर 3 का अगेंस्ट, अब थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हमको इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्यों प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो
ये जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ना ट्रैवल कर रहा है थ्रू साइबर स्पेस ऑन ए रूटीन बेसिस। द सिग्निफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी में जो सिग्निफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वाइडली एक्सपेक्टेड है। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रही है और डिपेंड्स ऑन वे टाइमली एक्यूरेट कंप्लीट वैलिड कंसिस्टेंट रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती हैं ये सब इंफॉर्मेशन पे। अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑल यूजर्स विद अ सिक्योर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। और उसके साथ साथ जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे सब यूजर्स को सिक्योर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो वो कंप्लीट हो, रिलायबल हो, वो एक्यूरेट हो, वैलिड हो, कंसिस्टेंट हो। इसलिए वी आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इंस्टेंस सिटेड अबव दैट देर आर नॉट ओनली मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, देर आल्सो मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिस्क रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो बेनिफिट सिर्फ नहीं है, रिस्क भी है। दिस रिस्क हैव लेड टू अ गैप बिटवीन द नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड। दिस गैप इज कॉज बाई, मतलब ये जो रिक्स है ना, जो बिकॉज ऑफ दिस रिक्स हमारा जो हमको जो प्रोटेक्ट हमको जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को जैसे प्रोटेक्ट करना था और हम जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी गैप आ गया है। और गैप क्यों है? क्योंकि वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। पूरे हर जगह हर लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम है और सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिस्टेंस, टाइम, स्पेस कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है, सब एलिमिनेट हो गया है। टेक्निकल चेंजेस जो है वो अनइवन है कि एक जगह पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तो एक जगह पे काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ में है। फिर डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट के पास ऐसा नहीं कि हल मैनेजमेंट के पास कंट्रोल है, डिवोल्यूशन हो गया मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का, मतलब डेलीगेशन हो गया है। फिर है एट्रेक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक ओवर मोर कन्वेंशनल फिजिकल अटैक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या था, पहले हम कन्वेंशनल फिजिकल वे में हम ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रहे थे, बट अभी अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक होने लग गए हैं। वायरस हम ऑर्गेनाइजेशन पे डालने लगे, फिशिंग डालने लगे, उसका एट्रैक्टिवनेस भी उसका अलग ही है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लेजिस्लेटिव, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमको हेल्प नहीं कर रहा है कि वो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे सके उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इसलिए बहुत गैप हो गया है किसके किसके बीच में, जो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना हमको करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हमारे उसमें गैप आ गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड में रिजल्ट इन बोथ फाइनेंशियल लॉसेस एंड और इंटेंजिबल लॉसेस सच एज अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ कॉम्पिटिटिव या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये सिक्योरिटी फेलियर हुआ तो फाइनेंशियल लॉसेस तो होगा, उसके साथ इंटेंजिबल लॉसेस भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन है या हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो लीक हो सकती है, वो लीक होगा तो रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसलिए हमको प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हाँ ऐसे ही लिखा है। तो ये फिर वही है कि थ्रेट्स टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अराइज फ्रॉम इंटेंशनल या इनइंटेंशनल एक्ट और मे फ्रॉम, मतलब वो इंटेंशनल या इंटेंशनल भी हो सकता है या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल भी हो सकता है। कुछ कुछ एग्जांपल दिया है कि टेक्निकल कंडीशंस आ सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम बग्स आ सकते हैं, डिस्क क्रैश हो सकता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं जैसे फायर फ्लड, या फिर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्जेस हो सकते हैं, या कोई ह्यूमन फोर्स हो सकता है, एरर अमिशन, फिर अनऑथोराइज एक्सेस मतलब हैकिंग, या कोई वायरसेस। ठीक है, ये सब हमारे थ्रेट्स हैं हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, यही सब बोल रहा है। तो इसमें हमको बस पढ़ने का यही मतलब ये इंट्रोडक्शन टाइप का है कि इसमें हमको, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन अभी बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन चाहिए और इवन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र को ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टिल हम इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजंस, कुछ गैप रह गए हैं जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जितना हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर जितना हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में गैप है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो यही था नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब आइए इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट अगेंस्ट लॉस, डिस्क्लोजर और डैमेजेस। तो वो इट रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट अगेंस्ट लॉस, मतलब वो अपने वैल्यूएबल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जो भी लॉस हो रहा है या जो भी डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं या फिर जो भी डैमेजेस हो रहे हैं। ठीक है, अरे
इसको अपन मार्क करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स अगेंस्ट लॉसेस डिस्क्लोजर या डैमेज, सिक्योरिंग वैल्यूएबल एसेट्स फ्रॉम थ्रेट सैबोटेज और नेचुरल डिजास्टर विद फिजिकल सेफगार्ड सच एज लॉक्स पेरीमीटर फेंसेस एंड इंश्योरेंसेस कॉमनली अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मतलब जो एसेट्स को थ्रेट्स से बचाना, नेचुरल डिजास्टर से बचाना, ये तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है कि कोई अगर सपोज हमारी कोई एसेट है, हमारे को हमारा कोई बिल्डिंग है, हमारा कोई घर है, तो अगर वो उसको हमको बचाना है तो हम उसको नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं या कोई थ्रेट से बचाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लॉक देते हैं या फिर हम फेंसेस लगाते हैं या फिर हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं. तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो ये इम्प्लीमेंट करती है, बट हमको सिक्योरिटी सिर्फ इस एरिया में हमको सिक्योरिटी नहीं रखना है, हमको इसको एक्सपेंड करना है और इंक्लूड करना है क्या, लॉजिकल एंड अदर टेक्निकल सेफगार्ड. ठीक है, खाली ये सब सिक्योरिटी नहीं रखना है, इसको सिक्योरिटी को हमको एक्सपेंड करना है और इंक्लूड करना है लॉजिकल और अदर टेक्निकल सेफगार्ड में, सच एज यूज़र आइडेंटिफायर्स, पासवर्ड, फायरवॉल और एक्सेट्रा. मतलब हमको यूज़र आइडेंटिफायर्स करना है कि सपोज हमारा कोई ऐसे मोबाइल में भी आने लगे, अगर तुम्हारा कोई फ़ोन में लॉक खोलने के ट्राई करेगा तो उसका फोटो वो स्नैप कर लेता है, या कोई पासवर्ड्स रखना या फायरवॉल बनाना एक्सेट्रा, विच इज़ नॉट अंडरस्टूड वेल बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिक्योरिटी ब्रीच हैज़ बीन एक्सपीरियंस, द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैज टू बी रीअसेस. अगर कोई तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर ब्रीच हो गया है एक बार, तो तुमको इसके उसका सिक्योरिटी को फिर से रीअसेस करना है. दिस कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाइज टू ऑल इन्फॉर्मेशन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वैल्यूएबल एसेट्स आर द डाटा और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड, प्रोसेस, स्टोर, शेयर, ट्रांसमिटेड और रिट्राइव फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो इन्फॉर्मेशन क्या है या कोई एक वैल्यूएबल एसेट्स क्या है, तो वो डेटा है या वो इन्फॉर्मेशन है जो कि रिकॉर्डेड है, प्रोसेस्ड है, स्टोर है, शेयर है, ट्रांसमिटेड है थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्म फ्रॉम थ्रेट्स विच विल लीड टू इट्स लॉसेस, इनएक्सेबिलिटी, ऑल्टरेशन या रॉन्गफुल डिस्क्लोजर. तो हमको अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को, अपने वैल्यूएबल एसेट्स को इनसे बचाने, किनसे, कोई जैसे थ्रेट टू लूज है, या अगर सपोज हम वो डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या वो रॉन्गफुली किसी ने ऑल्टर कर दिया है, या फिर रॉन्गफुली उसने किसी को डिस्क्लोज कर दिया है, तो हमको इससे बचना है. द प्रोटेक्शन इज अचीव थ्रू अ लेयर्ड सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड सच एज फिजिकल सिक्योरिटीज एंड लॉजिकल मेजर. तो इससे हमको बचने के लिए हमको टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज नॉन टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स चाहिए, हमको फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए एंड लॉजिकल मेजर्स भी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूएबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट लॉस, डिस्क्लोजर और डैमेज, तो वो कन्वेंशनल मेथड में करती है, लाइक फॉर एग्जांपल लॉक्स लगाती है, फेंसेस लगाती है, इंश्योरेंस करवाती है. बट अभी क्या है, हमको ये सिक्योरिटी को और एक्सपेंड करना है, लॉजिकल और अदर टेक्निकल सेफगार्ड्स में जाना है, हमको यूज़र आइडेंटिफायर्स लगाना है, पासवर्ड लगाना है, फायरवॉल्स लगाना है, क्योंकि ये जो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वाइड स्प्रेड नाउ इन डेज. और इस कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यूएबल एसेट्स हम मानेंगे वो किसको मानेंगे, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन जो कि रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि प्रोसेस्ड हो रहे हैं, या फिर जो कि स्टोर हो रहे हैं, या फिर वो शेयर्ड हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. और हमको इस वैल्यूएबल एसेट्स को किससे बचाना है, थ्रेट्स जो कि लीड करेगा किस में, हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को लॉस में या इनएक्सेसिबिलिटी में या ऑल्टरेशन में या रॉन्गफुल डिस्क्लोजर में. इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज कुछ नॉन टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स लगाने हैं सच एज फिजिकल सिक्योरिटी एंड लॉजिकल मेजर्स. ठीक है, फिर है इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. तो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन द सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट कम विद थ्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट्रीब्यूट्स. तो ये थ्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव का. सबसे पहले वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब हमारे पास अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं डिस्क्लोज होना वही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो. सेकेंड है इंटीग्रिटी, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन, कोई अनऑथोराइजली मॉडिफाई नहीं कर सके हमारी इन्फॉर्मेशन को, चेंज नहीं कर सके. हम अगर चाहेंगे कि हमारा इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तभी हम हमारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर पाएँ. एंड एवेबिलिटी, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथोराइज विथहोल्डिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अगर किसी के पास अनऑथोराइज विथहोल्डिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये थ्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट्रीब्यूट्स है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एवेबिलिटी. ठीक है, द रिलेटिव प्रायोरिटी एंड सिग्निफिकेशन ऑफ CIA वेरी अकॉर्डिंग टू द डेटा विद द इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इन विच इज यूज्ड. टू ये वेरी करता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हम तीन कंसेप्ट पढ़ लिए हमने, नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव. अब है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव, तो हमारे हिसाब से कौन से इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होगा. तो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जो
जो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करता है एट एवरी लेवल इस टर्म ए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है तो वो उसके लिए वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा। तो क्रिटिकल जो उसका हमेशा जब भी पूछेगा कि वॉट इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव, तो एक लाइन आप ये ले सकते हैं कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन जनरेट एट एवरी लेवल इज टर्म्ड एज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो द कॉमन एक्सपेक्ट इन ईच केसेज इन द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दैट ईच ऑर्गेनाइज जनरेट्स आर स्ट्रैटेजिक प्लान्स, बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस। तो इसका सपने सर का एक निमोनिक है इसमें, स्ट्रैटेजिक बी एफ, स्ट्रैटेजिक प्लान, बी से बिजनेस ऑपरेशन एंड एफ से फाइनेंसेस। तो लेट्स स्टडी स्ट्रैटेजिक प्लान। तो स्ट्रैटेजिक प्लान इज नथिंग बट most of the organization readily acknowledge the strategic plan are crucial to the success of the company. जो strategic plans for almost all the organization के लिए जो strategic plans होते हैं ना वो काफ़ी crucial होते हैं company के success के लिए, but many of them fail to really make an effort to protect those plan. But सारे organization के लिए ये crucial तो होते हैं but many of them fail, but वो उसको protect नहीं कर पाते हैं ये plan को. For example, अगर एक competitor है वो उसको पता चल गया कि तुम्हारी company, तो इसमें एग्जांपल में ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे कंपटीटर को पता चल गया कि हम एक प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हैं और एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर हम चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे डिमांड कैसी है, तो कंपटीटर क्या करेगा, वो जानबूझ के ना एक वो लोकेशन में ना इल्यूजनरी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा. ठीक है, अब वो इल्यूजनरी डिमांड क्रिएट कर लिया उसी लोकेशन में, तो अब जो हमारे हम जो एंटिटी हैं हमको तो लगेगा कि हाँ काफ़ी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट का, तो हम उसको नेशन वाइड इम्प्लीमेंट कर देंगे. फिर उसके बाद ओनली देन वी विल नो, द कंपनी विल डिस्कवर करेगा कि सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन में ना कंपटीशन ऑलरेडी बहुत इंटेंस था, हमने फिर से वही सेम प्रोडक्ट विद डैट अमाउंट ऑफ कंपटीशन हमने फिर से उसी को रिलीज़ कर दिया है. तो उससे क्या होगा, कंपनी का काफ़ी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ वेस्ट हो गया. ठीक है, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट कर रहा है, उसने एक इल्यूजनरी डिमांड क्रिएट की हमारे कंपटीटर्स में. देयरफॉर हमको नेसेसरी है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो जो हमारे कंपनी के लिए सबसे क्रूशियल चीज़ है उसको हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है. We have to take efforts to protect these plans. Okay? Although it might have been impossible for the company to completely prevent its intention from being discovered, the situation does not illustrate the real value of keeping strategic plan confidential. So in today's environment, search for competitive advantage has never been greater. The advantage of achieving insight into a competitor's intention can be substantial. Therefore, industry studies bear witness to this fact. So ye bol raha hai ki therefore, kyunki ye aajkal itna कंपटीशन वाला ज़माना हो गया है, तो हमको कंपटीटर एडवांटेज पाना काफ़ी कंपलसरी हो गया है अगर हमको सर्वाइव करना, अगर हमको थ्राइव करना है. देयरफॉर हमको हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को प्रोटेक्ट करना, या स्ट्रेटेजिक प्लान हमारा एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा एक मेजर गोल होना चाहिए. उसके बाद है बिजनेस ऑपरेशन. तो बिजनेस ऑपरेशन में बोल रहे हैं कि बिजनेस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मोस्ट ऑफ विच आर डीम्ड टू बी प्रोप्राइटरी. तो बिजनेस ऑपरेशन मतलब हमारी बिजनेस कैसे चल रही है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं. ठीक है, उसको सेंसिटिव रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एस सच दे मे प्रोवाइड ए मार्केट एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर कोई बिकॉज कि हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो हमको मार्केट एडवांटेजेस दिला सकते हैं. दिस इन द केस व्हेन वन कंपनी कैन प्रोवाइड अ सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी एट लोअर प्राइस देन द कंपटीटर, अ कंपनी क्लाइंट लिस्ट एंड द प्राइस चेंज फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन ऑल्सो भी डैमेज इन द हैंड्स ऑफ अ कंपटीटर. तो एक बिजनेस ऑपरेशन ही है जो हमको हमारे कंपटीटर से अलग करता है. ठीक है, हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है वही हमको अलग करते हैं ना, बाकी सब तो सब सेम होते हैं. बिजनेस ऑपरेशन हम जैसे कर रहे हैं, हम किस मतलब लोअर प्राइस में हम उतना प्रॉफिट उतना मार्जिन अपने पास रख के हम गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं, ये हमारा कंपटीटिव एडवांटेजेस होता है हर एक बिजनेस के लिए. तो अगर ये बात अगर हमारे कंपटीटर को पता चल गया, अ कंपनी और उसके साथ साथ कंपनी के क्लाइंट लिस्ट, कंपनी के कौन कौन क्लाइंट है और वो कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, अगर ये इन द हैंड्स ऑफ कंपटीटर चला गया तो ये काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. व्हाइल मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिट द शेयरिंग ऑफ सच डेटा, केयरलेसनेस ऑफन रिजल्ट इन कंप्रोमाइज. ठीक है, हाँ मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिट करती है, बट अगर उसमें हम प्रॉपर अटेंशन ना दें, प्रॉपर एफर्ट्स ना दें, अगर केयरलेसनेस से काफ़ी बड़ा कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है उनको, हमारे क्लाइंट लिस्ट, हमारे प्राइस चार्जेस अगर उनको पता चल गया तो हमारा जो कंपिटिटिव एज है वो चला जाएगा.
सच एक्टिविटी इंक्लूड इन एडवांस शॉर्टेज ऑफ डाटा ऑन अदरवाइज सिस्टम अनप्रोटेक्टेड लैपटॉप या फेलियर टू सिक्योर मैग्नेटिक मीडिया। तो ये कैसे लीक हो सकता है, अगर हमारे स्टोरेज ऑफ डाटा इन एडवांस है या फिर हमारे अनऑथोराइज सिस्टम है या फिर हमारे लैपटॉप्स प्रोटेक्टेड नहीं है या हमारे मैग्नेटिक मीडिया इतनी सिक्योर नहीं है, उससे ये सब हो सकता है, हमारे बिजनेस ऑपरेशन में ये सब हार्म्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंस। तो फाइनेंस में बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा सैलरी एंड वेजेस, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे लेबर्स को हम कितना सैलरी एंड कितना वेजेस दे रहे हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, उसको हमको पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, वेल जनरल सैलरी रेंजेस आर नोन विद इंडस्ट्री प्रिसाइज सैलरी कैन नॉट बी इन्फॉर्मेशन कैन प्रोवाइड ए कम्पिटेटिव एज। तो ऑब्वियसली अब कुछ इंडस्ट्री में तुमको जनरल सैलरी का रेंजेस हमको पता रहता है, ठीक है, बट जो उसका प्रिसाइज जो एग्जैक्ट सैलरी है वो एक अगेन हमको कम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे कम्पिटेटिव एंटरप्राइज को पता चल गया तो वो समझ जाएगा कि हम क्या, हमारी सिस्टम कैसे वर्क करी है हमारी, और वो रिकम्फर करेगा उस, और वो उस हिसाब से अपने सैलरी स्ट्रक्चर रख लेगा अकॉर्डिंगली। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बेनिफिट है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन रहे एंड साथ ही साथ हमको कुछ प्रॉफिट का लॉस नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है और वो कंपटीटर के पास पता चल गया तो वो भी अपने सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा एंड सिमिलरली हमारा जो कंपिटेटिव एज था वो चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग में ऑल्सो भी यूज बाई कंपिटेटिव एंटरप्राइज टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट कंपिटेटिवली। और ऑल्सो अगर हमारी प्रोडक्ट प्राइसिंग का प्रोसेस में उनको पता चल गया तो उन लोग भी अपने प्रोडक्ट वैसे प्राइस लेंगे, अगेन हमारा एज चला जाएगा। व्हेन कंपटीटर कॉस्ट आर लोअर दे कैन आइदर अंडर प्राइस द मार्केट और इंक्रीज प्राइसेस, इन आइदर केस द डैमेज ऑन टू एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव, तो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान, हमारे बिजनेस ऑपरेशन एंड हमारे फाइनेंसेस सेंसिटिव हैं और क्यों है ये हमको बताया गया है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आपको लिखना है, आपको कीवर्ड्स रिकॉग्नाइज करना है और लिखना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में मैंने दो तीन पॉइंट, इतना हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने दो तीन पॉइंट इसका बताया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक फॉर्मल स्टेटमेंट है रूल्स का विच गिव एक्सेस टू पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन एसेट एंड विच दे मस्ट अबाइड। ठीक है, तो एक ये फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रूल्स है जो कि पीपल को एक्सेस देता है क्या ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी का, उनके एसेट का, एंड उनको ये पॉलिसी दे हैव मस्ट हैव टू अबाइड इट। ठीक है, उन लोग ऐसे नहीं है कि वो दे डोंट हैव टू फॉलो, दे मस्ट अबाइड इट। सेकंड पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल को और एक्टिविटीज़ को। ठीक है, इसको हम एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे जो कि डिस्क्राइब ये यहाँ पे है, इसको हम एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे जो कि डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड थर्ड इज़ ये एसेंशियल फाउंडेशन है फॉर इफेक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, ये एक फाउंडेशन है, एक इफेक्टिव फाउंडेशन है फॉर, ये एसेंशियल फाउंडेशन फॉर एन इफेक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो क्या तीन चीज़ था कि फर्स्ट एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रूल्स विच गिव एक्सेस टू पीपल टू एन ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एक्सेस एंड विच दे मस्ट अबाइड। सेकेंड है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एंड एक्टिविटीज़ को। एंड थर्ड है कि ये एक एसेंशियल फंक्शन है फॉर एन इफेक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या क्या रूल्स रहते हैं। फर्स्ट है कि ये प्रिजर्व कर, इसमें जो रूल्स रहते हैं कि हाउ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन या अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज डिस्क्लोजर। तो ये मतलब एक, मैंने जैसे बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें रूल्स रहते हैं जो पीपल को फॉलो करना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन एसेट इन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकें एज पर द रूल। जिसमें क्या क्या रूल रहते हैं कि कैसे हम प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें हमारे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम एन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, एक अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से, एक्सेस से, और अनऑथराइज एक्सेस और अनऑथराइज डिस्क्लोजर से हम कैसे हमारे इन्फॉर्मेशन को बचाएं। सेकेंड है कि लिमिट करता है या एलिमिनेट करता है पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉय और थर्ड पार्टीज़। जो लीगल लाइबिलिटीज़ हो सकती है हमारी एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी से, उसको लिमिट करता है या एलिमिनेट करता है। एंड प्रिवेंट वेस्ट या इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हम अनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी रिटर्न फॉर्म।
ये जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो शुड बी रिटन फॉर्म, ऑब्वियसली हमने पढ़ा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स एंड रिसोर्स यूसेज आर रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टेबल एंड अबाउट व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, तो मतलब क्या क्या बिहेवियर तुम्हारे तरफ से हमको एक्सेप्टेबल है और क्या क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, सब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में आएगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉयज अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन एसेट्स एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमको वो भी बताते हैं कि कैसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करें एंड कौन कौन से बिहेवियर, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से प्रैक्टिसेस हमारे हमको एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये टूल्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसी सब ऐसे कुछ नहीं है, आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं। फिर आ जाइए इशू टू एड्रेस, तो दिस पॉलिसी डज नॉट नीड टू बी एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव बट क्लियरली स्टेट सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो मतलब क्या क्या इशू एड्रेस होगा इस पॉलिसी में, तो फर्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ये बोल रहा है कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, मतलब उनको क्या ज़्यादा सिक्योर करना है। सेकेंड है कि रीज़न वाई सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल एंड इट्स प्रिंसिपल, एंड उसके बाद वो हमको बताना है कि क्यों हमको इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, उसका गोल क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, हमको ये बताना है। थर्ड है कि हमको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है सिक्योरिटी पॉलिसीज का, प्रिंसिपल का, स्टैंडर्ड्स का, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का। ठीक है, एंड फोर्थ है कि हमको डेफिनेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट का हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का हो, किसी का भी जो भी अगर कोई रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ, उसको हमको बताना है। एंड रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है से हमने जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाए हैं उसको हमको रेफरेंस देना है कि फॉर फर्दर आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या एड्रेस करना है कि सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है कि आपके हिसाब से इन्फॉर्मेशन में सिक्योरिटी क्या है, सेकेंड की रीज़न क्या है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का ऑर्गेनाइजेशन में, उसका गोल क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। थर्ड है कि हमको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कंप्लाई करना है। फोर्थ है कि जो भी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है, एंड फिर हमको रेफरेंस देना है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ। ठीक है, फिर ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, आप पढ़ सकते हैं। फिर मेंबर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, तो मेंबर ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी हैज़ टू एकम्पस मैनेजर टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एक्सपर्ट। अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी की कौन कौन मेंबर है, तो मैनेजर भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल लीगल एक्सपर्ट से तीन तीन लाएंगे हम। तो सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रॉडली कंप्रोमाइज द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट, तो थ्री ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट मेंबर हु मे है बजट एंड पॉलिसी अथॉरिटी, तो जो मैनेजमेंट जिसके पास जो बजट डिसाइड करते हैं वो उनका अथॉरिटी रहता है, वो सिक्योरिटी पॉलिसी में आएंगे। सेकेंड टेक्निकल ग्रुप हु कैन who know what can and cannot be supported, and legal expert who know the legal ramification of various policy charges। ठीक है, तो तीन ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट आएंगे इन केस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। पहला मैनेजमेंट जिनको बजट एंड पॉलिसी वाले चीज़ देखने हैं, सेकंड जो टेक्निकल ग्रुप है उनको पता रहता है कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिस्टम में क्या सपोर्ट करेगा क्या सपोर्ट नहीं करेगा, एंड लीगल एक्सपर्ट जो कि हमारे लीगल रेमिफिकेशंस देखते हैं वेरियस पॉलिसी चार्जेस का। ठीक है, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मस्ट हैव टेकन टू अकाउंट बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट आर द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इस ऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ नहीं है, बस बता रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, हमारी कैसी बिजनेस रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमारी पॉलिसी भी फर्दर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड देयर हायरार्की, तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, तो हमने पढ़ा है कि एक पॉलिसी है जो कि डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है, उसके ओवरऑल एग्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस दैट अप्लाई टू ऑल यूजर्स। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो लिख देना उसमें। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये डायग्राम देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज में तीन चीज़ होते हैं, पहले यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड फिर है कंडीशन ऑफ कनेक्शन। अब अगेन ये दोनों में यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में अगेन दो है, वही सेम यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन में है ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, नेटवर्क सिस्टम एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, एंड देन फिर है कंडीशन ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होता है, दिस इंक्लूड यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एक्सेप्टेबल यूज़र पॉलिसी। ये वाला ही यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी इंक्लूड्स यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी। नाउ व्हाट इज यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी, तो दिस पॉलिसी set out the responsibilities and requirement for all the IT system users, it provides security terms of reference for users, line manager and system owner।
तो यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में ना जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड जो जो रिक्वायरमेंट्स है एक आईटी सिस्टम यूज़र का वो बता देता है, ठीक है। यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आई ऑफ ऑल आईटी सिस्टम यूज़र्स जो जो होंगे वो बताएगा। उसके साथ साथ रेफरेंस फॉर इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर यूज़र लाइन मैनेजर एंड सिस्टम ओनर, तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी जो टर्म्स है उसका भी रेफरेंस बताएगा यूज़र को, लाइन मैनेजर को एंड सिस्टम ओनर को। आप कुछ नहीं, आप बस इतना लिख देना कि ये पॉलिसी है जो कि सेट आउट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द आईटी सिस्टम यूज़र्स को। उसके बाद है एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी। तो ये क्या है, दिस सेट आउट अ पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ ईमेल इंटरनेट सर्विस एंड अदर आईटी रिसोर्सेज। तो मतलब ये ऐसा वो पॉलिसी बताएगी कि क्या क्या यूज मतलब क्या क्या एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ ईमेल है इंटरनेट सर्विसेज एंड अदर आईटी रिसोर्सेज है। मतलब इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ उसमें कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स कर सकते हो, पर्सनल ईमेल्स नहीं कर सकते। इंटरनेट में आप सिर्फ बिजनेस रिलेटेड साइट्स ऑपरेट कर सकते हो, ऐसे रैंडम अपना फेसबुक अपना ये सब नहीं खोल के बैठ सकती है। अदर आईटी रिसोर्सेज में तो ये पॉलिसी बताते हैं कि क्या क्या एक्सेप्टेबल यूज़ है ईमेल का इंटरनेट सर्विस का एंड अदर आईटी रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अरे इलेक्शन कैंपेन्स ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अगेन थ्री पार्ट्स में है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, सेकेंड इज नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी एंड थर्ड इज़ इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी देखेंगे तो द पॉलिसी सेट्स आउट द पॉलिसी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये हमको बताता है कि क्या क्या मतलब हमको अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है एंड किस क्लासिफिकेशन के लिए क्या पॉलिसी सेट आउट है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है या फिर नॉन सेंसिटिव हो सकता है या फिर काफ़ी टॉप सीक्रेट हो सकता है या जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पॉलिसी सेट आउट करता है। फिर है नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी, दिस पॉलिसी सेट आउट डिटेल पॉलिसी फॉर सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये डिटेल पॉलिसी बताता है किसका, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए एज वेल एज नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए एंड अप्लाइज टू आईटी डिपार्टमेंट यूजर्स। तो ये ज़्यादातर आईटी डिपार्टमेंट यूजर्स के लिए करते हैं जो कि सिस्टम और नेटवर्क से डील करते हैं ज़्यादातर, उनके लिए ये पॉलिसी रहता है। मतलब उनको डिटेल बताते हैं कि सिस्टम में कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सब बताएगा। लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी सेट आउट करता है ग्रुप पॉलिसी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स इन्फॉर्मेशन एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। तो इट इज़ पोजिशन एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, इट इज़ द मेन आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये पॉलिसी हमको सेट आउट करता है ग्रुप पॉलिसी करता है सेट आउट करता है फॉर द सिक्योरिटी किसके किसके लिए, इन्फॉर्मेशन एसेट के लिए एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी, ठीक है, आईटी के लिए भी एंड इन्फॉर्मेशन एसेट्स के लिए भी ग्रुप पॉलिसी सेट आउट करता है। दो ये हायरार्की का सबसे बॉटम में रहता है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी तक दो कवर किया है, यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेप्टेबल यूजर्स पॉलिसी में क्या क्या एक्सेप्टेबल यूजर्स हैं किसका, ईमेल का, इंटरनेट सर्विस का एंड अदर आईटी रिसोर्सेज का। ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट वाले में ग्रुप पॉलिसीज रहता है, सेकंड वाले में पॉलिसीज फॉर सिस्टम, डिटेल पॉलिसी फॉर सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, थर्ड वाले में पॉलिसी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट इज कंडीशन ऑफ कनेक्शन की दिस पॉलिसी सेट आउट द ग्रुप पॉलिसी फॉर कनेक्टिंग टू द नेटवर्क एंड अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग टू द ग्रुप एंड रिलेटेड टू कंडीशन डेवलप्ड डिफरेंट सप्लायर सिस्टम। तो ये पॉलिसी सेट आउट करता है ग्रुप पॉलिसी फॉर कनेक्टिंग टू द नेटवर्क। तो हमारे नेटवर्क से जो जो कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे डेटर, हमारे क्रेडिटर, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर्स, ये सब हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसी सेट आउट है उन सबका ग्रुप, जो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं सबके लिए जो ग्रुप पॉलिसी सेट आउट होता है उसको हम कंडीशन ऑफ कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग टू द ग्रुप एंड रिलेट्स टू द कंडीशन दैट अप्लाई टू डिफरेंट सप्लायर सिस्टम, ठीक है। तो ये आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अ गुड सिक्योरिटी पॉलिसी शुड क्लियरली स्टेट द फॉलोइंग पर्पज एंड स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंडेड ऑडियंस, द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस। कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, गुड सिक्योरिटी पॉलिसी शुड क्लियरली स्टेट द फॉलोइंग। सबसे पहले है कि पर्पज एंड द स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंडेड ऑडियंस। तो क्या पर्पज़ है एंड क्या स्कोप है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट का एंड उसके इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, मतलब ये किसके लिए डॉक्यूमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट के लिए है कि यूज़र्स के लिए है कि पूरे ग्रुप के लिए है, वो
फिर है सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सेकंड है, थर्ड है सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो डॉक्यूमेंट का मेंटेनेंस प्लस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, फोर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का पता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब ये एक कलेक्शन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सारे पॉलिसीज, ठीक है, इसमें सारे मतलब जो भी कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर होता है जिससे कि हम हमारे जो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं, उसको हम पता कर लेंगे एंड उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स और उसका रिपोर्ट, देन है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर है इन्वेंट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजीज का डिस्क्रिप्शन और उसके कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें उसके स्ट्रक्चर्स, फिजिकल एनवायरमेंट सिक्योरिटी हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट, आईटी का कम्युनिकेशन, मतलब हम लैन यूज़ कर रहे हैं, मैन यूज़ कर रहे हैं, वैन यूज़ कर रहे हैं, फिर है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो हमने चैप्टर फोर में पढ़ा, लीगल कंप्लायंस क्या क्या है, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कंट्रोल में हम क्या क्या कर रहे हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको याद करना है। इसका अभी तक तो मैंने कुछ निमोनिक नहीं बनाया है, आपको कुछ पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि इससे मतलब मेजर ऑफ द पॉइंट्स याद हो जाए, या फिर आई विल ट्राई, जब मैं ऑडियो बनाऊंगी इसका तो मैं ट्राई करूंगी, तो वी कैन आपको मैं बता दूंगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स पढ़ा, हमने ये हायरार्की पढ़ा, मेंबर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, इशू टू एड्रेस, टूल्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसी नहीं पढ़ा ना, उसको स्किप कर पढ़ लेते हैं, एक मिनट, दो मिनट लगेगा। उससे बाद इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव पर ये सब हुआ, एक बार टूल्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ गाइडलाइन एंड व्हाट इज़ प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड मैं आपको बस ब्रीफ बता दे रही हूँ, पढ़ लेना। स्टैंडर्ड्स वो है मतलब एक ये स्पेसिफाई करता है टेक्नोलॉजीज और मेथोलॉजीज टू बी यूज टू सिक्योर सिस्टम, मतलब क्या क्या हमको टेक्नोलॉजीज यूज़ करना है, क्या क्या मेथड्स यूज़ करना है ताकि हम हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकें। एंड सेकंड, ये स्पेसिफाई करता है यूनिफॉर्म यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, कि उस टेक्नोलॉजी को हमको कितना यूज़ करना है, मतलब तो यूनिफॉर्म यूज़ करना है तभी हम सिक्योर कर पाएंगे, वो बताता है। तो स्टैंडर्ड्स है कि ये टेक्नोलॉजी एंड मेथोलॉजी बताता है ताकि हम एक सिस्टम को सिक्योर कर सकें। उसके बाद है गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस जैसे हेल्प इन स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। सपोज हमको स्टैंडर्ड में हमको कुछ एक समझ में नहीं आया, कोई एक टर्म, कोई कंसेप्ट, हमको कुछ एक टेक्नोलॉजी को एक मेथडोलॉजी हमको समझ में नहीं आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम गाइडलाइंस में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमको हेल्प करता है इन स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ये असिस्ट करता है यूज़र को, सिस्टम पर्सनल को और अदर को, ताकि वो एक इफेक्टिवली सिक्योरिंग सिस्टम कर सकें, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ पढ़ा, सॉरी हमने दो चीज़ पढ़ा कि ये स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी को हेल्प करता है और ये यूज़र्स को और सिस्टम पर्सनल्स को असिस्ट करता है ताकि वो इफेक्टिवली सिस्टम को सिक्योर कर सके। एंड उसके बाद है प्रोसीजर, लास्ट प्रोसीजर में बोल रहे हैं कि एक डिटेल स्टेप है जो कि फॉलो करना पड़ेगा ताकि तो अकम्प्लिस कर सकें सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क, ठीक है। इट मीन्स प्रोसीजर नॉर्मली असिस्ट इन इंप्लीमेंटिंग एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, दीज आर डिटेल स्टेप टू बी फॉलोड बाई यूज़र या सिस्टम ऑपरेशन पर्सनल्स या अदर टू अकम्प्लिस अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग न्यू यूज़र अकाउंट्स and assigning appropriate privileges, some organization issue overall computer system manual, regulation, handbook, similar documents, so जो handbooks and manuals हैं, these are the example of procedures, ठीक है। ये अगेन हमको असिस्ट करता है इन इंप्लीमेंटिंग एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, और ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड पढ़ा जो कि टेक्नोलॉजी एंड मेथोलॉजीज को रेफर करता है, गाइडलाइंस स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी को हेल्प करता है, एंड यूज़र्स को और सिस्टम ऑपरेशनल पर्सनल्स को हेल्प करता है कि वो सिस्टम को सिक्योरली सिक्योर कर पाएँ, एंड लास्ट प्रोसीजर्स जो कि डिटेल स्टेप टू बी फॉलो टू अकम्प्लिस द गोल, accomplish the security related tasks, ठीक है। एंड लास्ट में ये लिखते ना कि जो स्टैंडर्ड्स है, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोसीजर्स है, वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आर मैनुअल्स, थ्रू आर रेगुलेशन, थ्रू आर हैंडबुक एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इससे हमारा हुआ, ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो सेकेंड पार्ट जो बचा है, दैट इज़ वो कंट्रोल वाला, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, काफ़ी बड़ा है ये, बट एकदम ईजी है, वेरी इजी चैप्टर है। बस हमको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, वो भी हम याद कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। समझना मुश्किल होता है, याद तो हम कर ही लेंगे, याद कुछ करना नहीं है, बस रिवीजन जितने बार करोगे उतने बार आपको याद होते जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिंग नर्ड में, मैंने टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने ऑडियो अपलोड करना शुरू किया है। मैंने चैप्टर 8 और चैप्टर 2 को
का पूरा स्टडी मटेरियल का ऑडियो रिलीज़ किया है, उसमें ना मैं कंसेप्ट नहीं समझा रही हूँ, मैं बस कंसेप्ट बोल रही हूँ और उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो मैं बताते जा रही हूँ, एंड बस वो पॉइंट्स में क्या एक्चुअल में है वो बता रही हूँ, मतलब कोई कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा। आप ये वीडियो देख के अगर वो ऑडियो सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर आप एक बार कहीं ये चैप्टर्स जानते हैं, इसके सारे कंसेप्ट जानते हैं, लेकिन आप उसका ऑडियो सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप खाली जाके ऑडियो सुनेंगे बिना कोई चैप्टर समझे तो आई डोंट थिंक वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ज़्यादा। वो द पर्पज़ ऑफ द ऑडियो इज़ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार सुन सकें, ताकि आपको अगेन रिविज़न के लिए बहुत हेल्प हो और आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा अच्छा हो। फर्स्ट वीडियो इज़ अराउंड 1 hour 44 minutes, सेकेंड वीडियो इज़ अराउंड 2 hour 30 minutes, ऐसा कुछ है। तो मतलब अगर आप सोने से पहले आधा घंटा भी सुन के सो रहे हैं तो आपका 3 to 4 days में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बस सोने के टाइम में ही, ठीक है। उसमें आपको कोई एफर्ट ही नहीं लेना है, आपका एक चैप्टर ऐसे रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप 1-2 घंटा सुन लो दिन, इधर आपको ब्रेक लेना है, मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे बोर हो गए तो वो ऑडियो सुन लो, तो ऐसे आपका इजीली चैप्टर रिवीजन होता रहता है, क्योंकि बुक्स लेके बैठना एंड प्रॉपर रिवीजन करना थोड़ा हैवी टैक्स लगता है, बट अगर एक ऑडियो क्लिप रहता है तो हम बस हमको कुछ अगर पढ़ाई कमान नहीं करें तो वी कैन ऑन दैट एंड वी कैन लिसन दैट, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मेरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करें ताकि आप पूरे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। एंड दैट्स इट गाइस, प्लीज़ ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एफर्ट्स तो काफ़ी लग रहे हैं, तो मुझे मतलब मैं आई वॉन्ट टू मेक बी श्योर कि आपको ये इतना हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।